बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने समता सैनिक दल की निर्मित की थी, शिस्त के लिए, संयम के लिए और बलिदान के लिए। समता सैनिक दल एक ऐसा संगठन है कि उसके सैनिक इस कोरोना संक्रमण के काल में आपको अक्सर दिखाई देंगे, कहीं राशन बांटते हुए, कहीं खाना बांटते हुए, कहीं लोगों को मेडिकल सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड करते हुए, और साफ़ सफाई पर भी ध्यान दे रहे हैं और सैनिटाइज करने का भी काम कर रहे हैं ताकि कोरोना संक्रमण से बचकर रहा जा सकता है। हमारे साथ समता सैनिक दल की एक छोटी टुकड़ी है जो इस तरह का काम कर रही है, जो सैनिटाइज कर रही है गांव में जाकर, बस्तियों में जाकर, रास्तों पर, बाज़ारों में, जहां दुकानें हैं वहां। और ये जो कोरोना संक्रमण है, जो सैनिटाइजेशन से उसको अपन हम लोग जो है दूर रख सकते हैं, उसका काम कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ समता सैनिक दल है। कितने दिनों से ये सैनिटाइजेशन करने का काम चल रहा है? जब से सेकंड लॉकडाउन चालू हो गया उसके पहले से ही, दो दिन पहले से, यानी अभी समझ लीजिए कि 1.5 महीने से ये सैनिटाइज का काम पूरा चालू है। साथ में किट वाटप का भी चालू है, जो फूड वो 15 किलो की अपनी किट है, उसमें चावल आटे से लेके यानी 16 किलो की किट वो लोगों को प्रोवाइड की जाती है। और ऐसी अभी तक के 2000 से ऊपर लोगों को किट दी गई है। और समता सैनिक दल का ये सैनिटाइजर का काम रोज़ चल रहा है, बस्तियों में चल रहा है, ऑफिसों में चल रहा है, कार्यालयों में चल रहा है। अभी जस्ट हमने सत्र न्यायालय में सभी एक सैनिटाइज किया है। साथ में पुलिस स्टेशन, ट्रैफिक पुलिस स्टेशन और जो बड़ी बड़ी बस्तियां जो है उनमें भी हमने सैनिटाइज किया है। ये पूरा 1.5 महीने से ये कार्यक्रम चालू है हमारा, और लोग जगह जगह से हमको ऑफर आ रही है, ऑफिशियल लेवल से। अभी जस्ट GMC से हमको ऑफर आई है कि GMC का भी कुछ हिस्सा आप सैनिटाइज करें, तो हम तैयार है उसके लिए और हम साथ साथ ये कर रहे हैं सब। चलो अच्छी बात है, GMC से भी ऑफर आई है। GMC में कोविड वार्ड भी है और अन्य पेशेंट भी है, वहाँ बहुत ज़रूरत है कि इस तरह का उपक्रम वहाँ ले जाया जाए। और प्रशासन को हाथ में हाथ, कंधे से कंधा मिलाकर ये समता सैनिक दल की ये टुकड़ी जो है काम कर रहे हैं। मैं आपकी तरफ आऊँगा, क्या अनुभव महसूस होता है जब इस तरह का काम करते हैं? सर बहुत अच्छा लगता है कि हम जिस सिचुएशन में अभी है, हम जो काम कर रहे हैं, हमें वो करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्योंकि सर ये सभी मानव जाति के सभी लोगों के लिए ये काम करना बहुत ज़रूरी है, ताकि सब लोग मिलजुल कर अगर ये काम करते हैं तो हम जो भी अभी ये कोरोना नाम का जो संकट हमारे ऊपर गहरा हुआ है वो सर बहुत हद का कम करने का हम कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम सभी जो भी समता सैनिक दल के हमारे जो जावा सैनिक है सभी अपना सर 100% अपना योगदान दे रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि सर हमारे साथ भी जो आम नागरिक है वो भी जुड़े और अपना अपना कर्तव्य निभाए। अभी देश ये फिलहाल अपने राज्य परिसर के प्रति, अपने शहर के प्रति, अपने राज्य के प्रति और खासकर अपने देश के प्रति जो भी अपने तरफ से हो सकता है वो पूरी कोशिश की जाए, तभी हम इस कोरोना को हरा सकते हैं सर। मैं और समता सैनिक दल के सदस्य से बातचीत करूंगा। ये जो कोरोना संक्रमण है इसमें हर आदमी आज घर में बैठा है, कुछ लोग क्वारंटाइन हुए हैं और इस तरह से सब, और लोगों को डर महसूस हो रहा है कि बाहर निकलेंगे और घर में रहना भी चाहिए, मगर आपको ऐसा कोई डर महसूस नहीं होता कि हम हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन्स में जा रहे हैं, आरोग्य केंद्र पर जा रहे हैं, बस्तियों में जा रहे हैं, वहाँ सैनिटाइज कर रहे हैं, तो खुद के जान का ऐसा डर नहीं लगता? क्या प्रेरणा है कि आपको डर नहीं लग रहा है? देखिए, हमने बाबा साहब से प्रेरणा ली है, जो बाबा साहब अपने हर विपरीत हालात के बावजूद जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना कर्तव्य निभाया, वही कर्तव्य का मैसेज जो है वो हम तक है। और जहाँ तक हम हर बस्ती पे जा रहे हैं, हर जगह पर जा रहे हैं, तो हम पूरी तरह अपना ख्याल रख रहे हैं। जिस तरह के ग्लोव्स पहनकर जो है हमें बस्तियों में जाना पड़ता है, वो ग्लोव्स पहनते हैं, मास्क पहनते हैं और लोगों को यही मैसेज देते कि दूर रहे, और हम भी उनसे काफ़ी दूरी बनाकर जो है वो सारा सब सैनिटाइज करते हैं। यानी सरकार के जितने भी नियम हैं वो तमाम नियमों को फॉलो करते हुए जो है हम ये सारा काम कर रहे हैं। हम कहीं पे भी टच नहीं करते। हमने लोगों को जब सैनिटाइज करने के उनके घरों में जाते हैं तो उनको भी हमारा जो टच है वो नहीं आया है। इस तरह से नियमों का पूरा ध्यान रखते हुए जो है हम पूरी तरह से सैनिटाइज कर रहे हैं। जिला हो, सरकारी ऑफिसर हो या घर में हो, जो जो लोग हमें बुलाते हैं उस तरह नियमों को ध्यान में रखकर और नियमों को बनाए रखकर, दूरी बनाए रखकर जो है हम पूरी तरह अपना काम। इस तरह है, नियमों को ध्यान में रखकर ये काम चल रहा है देश के लिए, समाज के लिए। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी प्रेरणा है, तथागत भगवान गौतम बुद्ध इनकी मैत्री और करुणा है, जो इस तरह से आम लोगों की, प्रशासन की और इस कोरोना संक्रमण काल में डर को छोड़कर, मौत के डर को भूलकर ये समता सैनिक दल
आज कर्तव्य बजा रहे हैं। समता सैनिक दलाच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात लोकांचं जे लॉकडाऊनमध्ये जे फसलेले आहेत त्या लोकांना घरपोच सेवा उपलब्ध करण्यासाठी ऑनलाईन फॉर्म उपलब्ध करून राहिलो, त्याचं टोकन त्यांच्यापर्यंत नेऊन देऊन राहिलो, परत त्यांना जे त्यांच्या घरपर्यंत जाण्यासाठी जो पैसा अमाऊंट लागते तोही काही लोक ठिकाणी बेअर करत असतो। समता सैनिक दलातर्फे जे जेवणाचे प्रोग्राम आहेत आणि किट वाटपाचे आहेत, जास्तीत जास्त आम्ही किट वाटपाच्या याच्यावर जास्त भर देत असतो। त्याच्यामागं एवढं कारण आहे की लोक रांगेत दोन दोन घंटे उभं राहून नाही का जेवण घेण्यापेक्षा त्यांना किट त्यांच्यापर्यंत देणे, त्यांना किट
15 दिवसाची किट त्यांना प्रोवाइड करणे, जेणेकरून ते लोकांपर्यंत मिसळणार नाहीत, लोकांपर्यंत न मिसळता ते आपल्या घरी स्टे राहतील आणि त्याच्या आरोग्यावर नाही कोणताही हे होणार नाही याची आम्ही काळजी घेत असतो, त्याच्यापर्यंत सॅनिटायझरही करत असतो. असं सातत्याने आमचे हे 2 महिन्यापासून काम सुरू आहे आणि याच्यानंतरही जसजसं लॉकडाऊन वाढत राहील तोपर्यंत आम्ही करत राहू. ते मला समता सैनिक दलातर्फे आम्ही हे सर्व माध्यमातून करत आहोत. समता सैनिक दलाला तेवढाच लोक प्रतिसाद देत आहेत आणि समता सैनिक दल एक लोकांपर्यंत जात आहे हे मोठी गोष्ट आहे या माध्यमातून. आज आपल्याला माहीत आहे की 25 मार्चपासून जी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे भारतात कोरोनामुळे आणि इथे अशा अडचणी येतात तिथे बुद्धाची करुणा, बुद्धाची मैत्री ही नेहमीच निर्माण होते आणि त्या करुणेपायी, त्या मैत्रीमुळे आज आम्ही इथे समता सैनिक दलद्वारे रॅशन किटचं डिस्ट्रीब्युशन करत आहोत. हे महा डिस्ट्रीब्युशन आहे, जवळपास 150 च्या वर लोकांना इथे आज धान्याचे किट्स हे डिस्ट्रीब्यूट करण्यात येतील.